राम राम सा, स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारू स्वागत है। आज को अपनो जो टॉपिक है अथैली में प्रभावक रेखा। ये रेखा कोई सी कंडीशन में आपने शुभ अशुभ फल देवे हैं, उनको जो महत्व है, उनको जो रहस्य है, उन आपा ये वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, प्रभावक रेखा अन्य इलिए ही बोलियो जा है, ये रेखा जब भी आएंगी हथेली में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से फल देंगी, और अनको जो प्रभाव होगा गो वह जातक का जीवन में सीधो सीधो दिखेगो। इलिए ही अन्न रेखा ने प्रभावक रेखा कहो जा है, और ये रेखा अगर पॉजिटिव हथेली में है तो निश्चित ही जातक ने जीवन में तरक्की करवाए हैं, स्पष्ट चाल रही हैं, साफ सुथरी हैं, ग्रह पर्वता तक पहुँचने में कोई अनके अवरोध रुकावट नहीं हो रही है, तो थे पाओगा ये रेखा सदैव सुफलदायी हुए हैं, भाग्य बढ़ाने वाली हुए हैं, और जीवन में जातक उ ग्रह पर्वत और जी रेखा से पॉजिटिव संबंध बना रखो है, उ रेखा द्वारा जीवन में अच्छी तरक्की करता थाने मिलेगा। एक बिल्कुल विपरीत चला तो देखो, यह एक पॉजिटिव प्रभावक रेखा है, अठे आपने इन्हें सूर्य रेखा नहीं समझना है, आप प्रभावक रेखा की बात कर रहे हैं। तो देखो, यह एक प्रभावक रेखा है, इन आप पॉजिटिव प्रभावक रेखा बोलेंगा, लेकिन जब यह रेखा अठे से चाल के अठे रह जाएगी तो इन आप पूर्ण पॉजिटिव प्रभावक रेखा उन्हीं बोलेंगा, क्योंकि समुद्र शास्त्र में यह बात बताई गई है कि ये जो प्रभावक रेखा चल है, ये जब ग्रह पर्वता पर पूछे हैं उही स्थिति में अन को जो सुफल हुआ है वह पूर्ण रूप से उस जातक ने मिले है। तो ग्रह पर्वता पर जो रेखा पूछेगी वही पूर्ण प्रभावक रेखा अपनी हथेली में मानी जाएगी। अब आप इन्हें थोड़ो सो रेखा पर समझन की कोशिश करा। तो देखो, सबसे पहले आप अपनी जो बिजनेस लाइन है, व्यापार रेखा है, ऊपर समझेगा या अपनी हथेली में बिजनेस लाइन होवे है जो आपने व्यापार वाणिज्य को सुख देवे। ई रेखा से अगर कोई प्रभावक रेखा मान लियो या प्रभावक रेखा चाल रही है और इसे संबंध बना लियो, या अठे से भी चाल के बना सके है या अठे से भी चाल के बना सके है, क्योंकि अनको उद्गम अपनी हथेली में कट्ठे भी हो सके है, लेकिन अनको जो अंत है वह पांच ग्रह पर्वता पर बताया गया है, जब मैं विशेषकर बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत पर ने ज़्यादा महत्व दिए गए हैं, और शुक्र को जो पर्वत है बठे ई का जो परिणाम है ज़्यादा सुफलदायी कुनी बताया गया। तो अणग्रह पर्वता पर ऊपर की तरफ जब ये रेखा चल रहे हैं तो पॉजिटिव फलदायी हो हैं। अब देखो, यह रेखा अगर बुध रेखा से संबंध बना रही है जो प्रभावक रेखा है, तो जातक को स्वास्थ्य को सुख, जातक ने व्यापार वाणिज्य बिजनेस को लाभ या रेखा करवाओगी। ई रेखा में अगर कोई दोष आ रही है, बिजनेस जो लाइन आपनी है वो दोष में भी कमी या रेखा करेगी। ई रेखा ने फल देने के लिए या रेखा आ गई है, और अब दुगने वेग से या जो बिजनेस लाइन है ई जातक ने सुफल देगी, बिजनेस में वृद्धि ने या बताओगी, या कोई जॉब में भी हो जातक है तो बैठे भी बार बार प्रमोशन उ जातक को जीवन में देखो जागो। अब आठे
ई रेखा का नेगेटिव फल ना समझा तो देखो या जो अपनी स्वास्थ्य रेखा है इन कोई प्रभावक रेखा काट कर यहाँ चल जा तो देखो अठे ई जातक न या रेखा स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत देगी, उका जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी और भाग्य न कमजोर करण वाली या प्रभावक रेखा अशुभ फल देने वाली हथेली में उस स्थिति में फिर मानी जाएगी। एक अलावा अब आप इन्हें भाग्य रेखा पर देखा तो देखो यह अपनी भाग्य रेखा और यह एक प्रभावक रेखा निकल कर इस प्रकार से अपनी भाग्य रेखा से मिल जा, निश्चित ही इस जातक को जो भाग्य है प्रबल उदयमान हो और इस जातक ने जीवन में बहुत कम संघर्ष और अधिक से अधिक लाभ या रेखा करवाओगी। भाग्य रेखा ने बल देने के लिए या प्रभावक रेखा आगी है और जीवन में इस जातक का जो भी काम है वे निरंतर बनेगा और इन्हें पॉजिटिविटी मिलेगी। तो अठे भाग्य बढ़ान की या प्रभावक रेखा उस जातक का हाथ में कहलाओगी। अब अठे इन्हें नेगेटिव अगर समझा तो देखो भाग्य रेखा पर कट या रेखा लगा दे तो भाग्य उदय में भी दिक्कत और भाग्य जन आपा भाग्य न कमजोर करण की भाग्यहीन उनकी और जीवन में संघर्षा की रेखा ठे बोल सका तो कठिनाइयाँ दिक्कत आर्थिक कमजोरी या रेखा उस जातक ने देगी तो अठे या जीवन में संघर्ष करवाओगी। अब देखो सूर्य रेखा है या इस प्रकार से तो सूर्य रेखा से जाकर पॉजिटिव संबंध जीवन में नेम फेम की कारक बनेगी, प्रसिद्धि की बनेगी, धन की बनेगी, काम धंधा को सुख देगी, खुद की जो भी फील्ड है वठे तरक्की ने बताओगी। लेकिन यह काट कई प्रकार से अगर आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही अनसब पॉजिटिविटिया में कमी करेगी। एक समांतर ही फल अन रेखा पर मिल लगो जो अपनी सूर्य रेखा है, बुध की स्थायी रेखा है, शनि की स्थायी रेखा है, गुरु की स्थायी रेखा। अब अठे से कोई प्रभावक रेखा जाकर इसे संबंध बना ले तो निश्चित ही गुरु कारका के जीवन में वृद्धि और गुरु की पॉजिटिविटी जीवन में ऊर्जा तक का देखी जाएगी। अन रेखा ने बल जो हुआ है वो ये रेखा देवें शुभ फलदायी उस स्थिति में ये रेखा अपनी हथेली में मानी जाए। अब देखो अठे से यो अपनो पॉजिटिव मंगल है सभी प्रभावक रेखा जाकर अगर यहाँ मिले है तो अठे भी आपने समझनो है जातक निडर होगो, साहसी होगो, जीवन में तरक्की करतो देखो जागो। और अगर एक शब्द में इन्हें समझने की कोशिश करा तो जो भी प्रभावी रेखा है वे कोई भी अपनी उपप्रधान रेखा जन्म है अपनी भाग्य रेखा है, सूर्य रेखा है, बुध रेखा है, स्थायी रेखाएं हैं अन्न ना काटे और सीधा ग्रह पर्वत तक पहुँचे, निश्चित ही व प्रभावी रेखा सदैव सुफलदायी होगी। अब देखो यह अपनी हथेली में जीवन रेखा हुआ है और यह माइंड लाइन कई बार थे देखोगा यहाँ की रेखा हुआ है और ये इस प्रकार से चल रहा है। यह एक रेखा प्रभावक रेखा है और जो जाकर अपनी माइंड लाइन ने काट दी। अब अठे यो जो कट लाग रही है इको जो प्रभावी जातक का जीवन में देखे जागो मानसिक पीड़ा ने बताओगे, मानसिक रोग जो हैं उनकी तरफ संकेत करोगे, जीवन में जो असंतुलन की स्थिति हो है भी नभी यो बताओगे तो कोई ना कोई समस्या से उरा यो जातक थाना जूझ तो मिलेगा। इसके अलावा अगर यह रेखा
जाकर अपनी जो हृदय की रेखा है ये पकट लगा दे, हल्को सो कट लगा दे। ऊपर तो देखो ये जाएंगी पॉजिटिविटी नहीं बताएंगी, हल्को सो कट लगा कर रुक जा, ठहर जा या रेखा। तो अठे जो अपनी भावना हुए हैं, फीलिंग्स हुए हैं, हार्टली अटैचमेंट ने या लाइन बताया है, ये पर ही रेखा को कट होनो तो आपने जीवन में सेटबैक मिलेगा। अगर वो टाइम पीरियड जी टाइम पीरियड या रेखा कट कर रही है कोई विशेष नेगेटिविटी हृदय रेखा पर डॉट के रूप में, यव के रूप में, क्रॉस के रूप में रेखा में ब्रेक आ रही है, तो थे पाओगा कोई ना कोई रोग की तरफ या संकेत फिर करेगी। तो यह भी फिर आप अनाठे सुफल कुंदेगी, इको जो इम्पैक्ट रहेगा वो काफ़ी नेगेटिव देखियो जाओ। तो यह थी अपनी अथेली में प्रभावक रेखा से संबंधित जानकारी। राम राम सा।